गोपालगंज के सिंधौलिया चीनी मिल के 17 कर्मियों में कोरोना का संक्रमण पाए जाने से मिल प्रबंधन ने पूरे चीनी मिल को कंटेनमेंट जोन में बदल दिया है। गोपालगंज जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 215 हो गई है। जिलाधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि टीका उत्सव के दौरान जिले में प्रतिदिन 9,000 लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। अभी तक कोरोना काल में कुल 6,28,791 लोगों की जांच की गई थी, जिसमें टोटल पॉजिटिव केस 5,123 आए, जिसमें हमारे पास वर्तमान में एक्टिव केस कुल 196 केस एक्टिव है और अभी तक वैक्सीनेशन कुल 1,19,700 लोगों को किया गया है और हमारा जो वैक्सीनेशन का सेशन है वो 44 जगहों पे विभिन्न जगहों पे चल रहा है। मुंगेर की जिलाधिकारी रचना पाटिल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हवेली खड़गपुर पहुंचकर वैक्सीनेशन संबंधी तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने आइसोलेशन वार्ड की स्थिति का भी निरीक्षण किया। अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अजय भारती ने कहा कि कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए सभी अस्पताल और स्वास्थ्यकर्मी मुस्तैदी से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत सारे लोग बाहर से भी यात्री वगैरह आते हैं, तो हम लोग प्रत्येक अस्पताल तारापुर खड़गपुर या जमालपुर सदर हॉस्पिटल जीएनएम आइसोलेशन वार्ड और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर ये सारे जगह को मूवमेंट करके वहाँ सर्वे मतलब देख रहे हैं कि भाई किसी चीज़ की कोई आवश्यकता या कोई कमी है तो उसको समृद्ध व्यवस्था कर सके। लेकिन